हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं जो अपडेट दे रहा हूं वो पटना गया डोभी में मैं कई सीरीज का अपडेट दिया हूं। अभी जो मैं दे रहा हूं जहानाबाद बाईपास का अपडेट दूंगा। ये रोड पकड़िएगा आप तो जहानाबाद शहर में चले जाइएगा, ये रोड पकड़िएगा तो ये बाईपास है। और अभी मैं जो डिस्टेंस पे वो पटना से 47 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और डोभी से 127 किलोमीटर, 47 माइनस कर दीजिए अगर तो अप्रोक्स 79 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है। इतना जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्डिंग करना है। तो अब मैं ये बाईपास दिखाऊंगा आपको और ये ग्रीनफील्ड रोड है पूरे अच्छे तरीके से, जिसका कि मैं फास्ट मूविंग में अपडेट दूंगा। तो देखता हूँ अगर कोई गाड़ी वाला हमें मिलता है। वैसे जनरली आप लोगों की दुआएँ मेरे साथ हैं और हर जगह हमें कोई ना कोई हेल्प कर ही रहा है, चाहे पैसा लेकर के करे या फ्री में करे, लेकिन कर रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ पूरा अपडेट। और धूप, ठंड तो खत्म हो गई लेकिन धूप कड़ी हो गई, क्या करें, कभी ठंड मिल रहा है तो कभी गर्मी मिल रहा है। लेकिन फिर से दिखा दो कि ये रोड पकड़िएगा तो जहानाबाद शहर में चले जाइएगा और ये बाईपास होते हुए करौना एक स्टेशन उससे पहले निकलती है और जस्ट मेरे पीछे मतलब इस साइड जो है कि आप डोभी चले जाइएगा। तो चलिए मैं पूरा अपडेट आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। जो बनाने वाली कंपनी है इसमें दो है, एक JSP है और एक राम कृपाल सिंह है। अभी तक मैं जितना अपडेट दिया हूँ लगभग 80 किलोमीटर के अंदर में वो सब राम कृपाल सिंह कर रही है। और ये जब रोड बनने वाला था 5500 करोड़ रुपया लागत थी, लेकिन अभी का कॉस्ट नहीं मालूम है। ये 12 साल से अटका हुआ प्रोजेक्ट है, लेकिन काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 80% काम हो चुका है इस साइड में। जहाँ तक मैं वीडियो बनाया हूँ रोड का काम, पुल पुलिया, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, ये सब छोड़ करके बाकी रोड एकदम अच्छे तरीके से कम्प्लीट है। 5-6 किलोमीटर पूरे रोड में काम बाकी है, बाकी पुल पुलिया का काम बहुत बाकी है। तो अप्रोक्स अभी 1.5 साल इसमें और लग सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो 1 साल एकदम आराम से। अपडेट देने के क्रम में मैं आ गया बवना साइड में, मतलब ये रोड आप पकड़ के जाइएगा तो आप जहानाबाद शहर में चले जाइएगा और ये रोड पकड़ के जाइएगा तो आप अरवल चले जाइएगा, बवना चले जाइएगा, किंजर चले जाइएगा। मैं जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया वो 47 किलोमीटर पे था और अभी लगभग 44 किलोमीटर पे हूँ। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आपकी एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है यहाँ पे रोड के लिए, अंडर पासेस के लिए। तो इसका भी पेयर वगैरह काम काफ़ी दिनों से हुआ हुआ है, यहाँ पर काम चल रहा है। और आगे पे मैं जो काम रुका हुआ है तो ये ब्रिज की ही वजह से रुका हुआ है कि इस साइड भी मिट्टी वगैरह जो भरा जा रहा है तो ब्रिज की ही वजह से है। अगर ब्रिज का मसला नहीं होता तो रोड कंप्लीट हो जाता है। रोड का काम जहाँ पर है वो कंप्लीट है, गटर भी आपको दिख रहा है यहाँ रखा हुआ है। इस रोड में मैं दूसरा आपको रेल ओवर ब्रिज दिखाऊँगा, एक जो मैं गया साइड में दिखाया चेरकी से लेकर के और कुजापी तक में वहाँ, और एक मैं दिखाऊँगा यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा जहानाबाद करौना स्टेशन के बीच में एक रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है। और इस साइड देखिए यहाँ पे जो भी है ब्रिजेस का काम पियर वगैरह हुआ बस, और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी गटर का काम चल रहा है। गटर का ढलैया भी किया जा चुका है, लॉन्च करना बाकी, इस साइड भी गटर का सरिया बांधा हुआ है। गटर की लेंथ ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स 25 मीटर होगा, अप्रोक्स जो भी गटर होता है 25-30 मीटर का ही होता है।
चक्कर में मैं आ गया हूँ जहानाबाद से थोड़ा सा पहले, और 40 किलोमीटर की दूरी पे हूँ पटना से, जहाँ पे जो है कि रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ पर 4 लेन का, जो कि आप देख रहे हैं येलो कलर का क्रेन लगा हुआ है। और इस साइड से मैं बाईपास पूरा आपको दिखाते हुए आया। तो अप्रोक्स अगर लेंथ की बात करूँ तो 7 से 8 किलोमीटर का लेंथ है, 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 7 किलोमीटर से कम नहीं हो सकता। चलिए चापाकल मिला, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे पायल के लिए देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्रेनें, JCB आके लगी हुई है और काम कर रही है। और इस साइड ही जहानाबाद स्टेशन है और इस साइड मसौढ़ी है। अभी भी हमको 40 किलोमीटर अप्रोक्स चलना है, तो देखता हूँ चलना है मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे गाड़ी से चाहे पैदल, तो देखता हूँ आगे क्या वर्क है। यहाँ पर पायल का काम हो चुका है, जो आप देख रहे हैं 6 पायल को काम हो गया है। पायल कैप बनेगा, फिर पेयर, उस पर पेयर का सरिया निकलेगा, फिर पेयर बनेगा। तो काम तो इससे बहुत हो चुका है, देखता हूँ। अभी तो रेलवे गुमटी क्रॉस करना है, रेलवे लाइन क्रॉस करना है, कभी कभी गड़बड़ा जाता हूँ बोलने में। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटी सरिया, यहाँ पर भी पायल का काम होगा जो कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं, और यहाँ पर भी पिलर का पायल का काम होगा। उसके बाद रेलवे की ज़मीन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और ये है पटना गया रेलवे लाइन। सीधे आप गया चले जाइएगा जहानाबाद होते हुए, और इस साइड पटना चले जाइएगा, और मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा। ये है पटना गया 4 लेन रोड का, पायल का काम हो रहा है जहानाबाद से पहले। पायल का काम हो चुका है जो दिख रहा है आपको, उसके बाद फिर आगे में रोड है। तो अप्रोक्स 8 किलोमीटर का लेंथ रहेगा ये ग्रीनफील्ड रोड का जो मैं दिखाया आपको। अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा सीधे मसौढ़ी गोलम्बर तक, देखता हूँ शायद कोई गाड़ी वाले भैया मिल जाए तो फास्ट मूविंग में मैं वीडियो फास्ट मूविंग बोलता हूँ, मूवी मत समझिएगा, तो वीडियो बनाऊँगा। देखिए यहाँ पे भी 6 पायल का काम हो चुका है, यहाँ पे भी होगा शायद मे बी, और इस साइड भी हुआ हुआ है 4, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कितना बड़ा पायल है देख रहे हैं आप, 6 पायलों का काम किया हुआ है, उस पेयर कैप बनेगा, बहुत सारा काम है बाकी है। सरिया यहाँ ला कर रखा हुआ, सामने जो गाड़ियाँ दौड़ रही है वो है पटना गया डूबी 4 लेन का काम बहुत हद तक खिंचा हुआ है। यही जाके जो है कि रोड मिल जाएगा जिस पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। इस साइड चले जाइएगा तो आप जहानाबाद चले जाइएगा, गया चले जाइएगा, और इस साइड चले जाइएगा तो पटना चले जाइएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।